वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने का सिलसिला जारी है। 13,329 भारतीयों को लेकर लंदन से मुंबई पहुंची स्पेशल फ्लाइट। 15 मई से दूसरा चरण शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंदन से 329 भारतीयों की घर वापसी हो चुकी है। इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे। देर रात लंदन से स्पेशल फ्लाइट मुंबई पहुंची और उसके बाद की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वंदे भारत मिशन के तहत दरअसल जो भारतीय फंसे हुए विदेशों में उन्हें वापस लाया जा रहा है, जिसके तहत 329 भारतीयों की घर वापसी यहां पर हो चुकी है। तो शनिवार रात 182 हिंदुस्तानियों को भारत वापस लाया गया। कोरोना की वजह से फ्लाइट कैंसिल होने के चलते ये लोग यूएई के शारजाह में फंसे हुए थे। आपको बता दें कि बीती रात जब इन लोगों ने अपनी सरजमी पर कदम रखा तो इनकी खुशी देखने लायक थी। ये खुशी है सरजमी हिंद पर लौटने की, अपने वतन पहुंचने के सुकून की। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट की है, जहां संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां से 182 हिंदुस्तानियों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाया गया। यहां आकर इस शख्स ने सबसे पहले एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर देश की मिट्टी को चूमा और मातृभूमि को सिर झुकाकर सलाम किया। 28 जब ये 182 हिंदुस्तानी वापस वतन लौटे तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वापस भारत आकर ऐसा लगा मानो सारा जहां इनके कदमों में आ गया। पूरी दुनिया से हिंदुस्तानियों को भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है और इसी मिशन के तहत 182 हिंदुस्तानी शारजहां से भारत पहुंचे हैं। और यहाँ देखिए लखनऊ एयरपोर्ट पर अब इन हिंदुस्तानियों के निकलने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। देश आकर कैसा लग रहा है कि एक बड़ी जंग आपने लगभग जीती है लग रहा है? दरअसल ये सभी हिंदुस्तानी कोरोना के चलते फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से शारजहां में फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए मोदी सरकार ने एयर इंडिया का खास विमान भेजा था। ये विमान इन सभी को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। तमाम तरह के प्रोटोकॉल का पालन करने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी प्रवासी भारतीयों को लखनऊ में ही अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए रवाना कर दिया। जो भारतीय अपने पैसे से होटल में रहना चाहते हैं वो अपना क्वारंटाइन पीरियड होटल में काट सकते हैं और जो प्रशासन के बनाए मुफ्त क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अलग इंतजाम किए गए। यात्री आए हैं उनको सुरक्षित यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके निमित्त सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जैसे इनकी चेकिंग हो रही है, इमिग्रेशन की, मेडिकल की, थर्मल चेकिंग हो रही है, अंदर काउंटर बनाए गए हैं कि किसको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे उनको कितने दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा और अंदर में सब उनको पूरी सूचना और सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार विदेशों में फंसे कामगारों और छात्रों को निकालने के लिए जी जान से जुटी है। इस मिशन के पहले चरण में 1,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वापस वतन लाया जा चुका है। इसका दूसरा चरण 15 मई से शुरू होगा, जिसमें सरकार 15,000 से ज्यादा विदेशों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्लान बना रही है। लखनऊ से नील यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।